नमस्ते जंगयन्ना, आपके सामने कितने सारे बीज है, क्या करने जा रहे हो? नमस्ते, मैं ये 7 तरह के बीजों से टॉनिक बनाने जा रहा हूँ। तुअर, चना, उड़द, मूंग, गेहूं, लोबिया और तिल। सभी बीजों को पानी में भिगोकर 12 घंटे के लिए छोड़ दें, लेकिन तिल को फूलने के लिए ज्यादा समय लगता है, इसलिए उसे 24 घंटों के लिए पानी में भीगने दें। भिगोने के बाद बीजों को कपड़े में बांधकर 12 घंटे के लिए अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। अंकुरित बीजों को अलग अलग पीसकर 10 लीटर गोमूत्र और 200 लीटर पानी में मिलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। इस घोल को बिना पानी मिलाए किसी भी फसल पर छींट सकते हैं। अगर इसका उपयोग फूल आने पर या फल लगने पर किया गया तो फसल की गुणवत्ता एवं उपज बढ़ जाती है। क्या आप हमें इसको बनाना सिखाएंगे? सभी बीजों को अलग अलग 12 घंटों के लिए पानी में भिगो दें। तिल को 24 घंटों के लिए पानी में भीगने दें। भैया, ये फूले हुए बीजों को क्या करना है? ये फूले हुए बीजों को कपड़े में बांधना होगा। अब बीज को कपड़े में बांधकर कितने दिन के लिए रखना होगा? लगभग 2 दिन के लिए। अभी तो आगे क्या करना है? कपड़े पर पानी का अच्छे से छिड़काव करें ताकि बीज गीले हो जाएं। दिन में 2 बार पानी की छिड़काव करें। देखो, 2 दिन में ये सभी बीज अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। ये जो तिल है 100 ग्राम और मूंग 100 ग्राम चना 100 ग्राम उड़द 100 ग्राम तुअर 100 ग्राम गेहूं 100 ग्राम लोबिया 100 ग्राम अंकुरित बीज को क्या करना है? ये अंकुरित बीजों को हमें अलग अलग अब पीसेंगे। पिसे हुए अंकुरित बीज को हम क्या करेंगे? एक बर्तन में 200 लीटर पानी लें और उसमें ये पिसे हुए अंकुरित बीजों को मिला दें। एक लंबे डंडे से पिसे हुए अंकुरित बीजों को पानी में बहुत ही अच्छे से मिलाएं। अब 10 लीटर का गौमूत्र डालकर
दोबारा अच्छे से मिला दें। मिलाने के बाद बर्तन का ढक्कन बंद कर दें और 24 घंटे के लिए छोड़ दें। बीच बीच में अच्छे से मिलाने ये 24 घंटे के बाद देखिए इसका रंग बदल गया है। अब टॉनिक फसल पर छींटने के लिए। ये छींटने से क्या लाभ होगा? इसके उपयोग से फसल की गुणवत्ता एवं उपज 20% तक बढ़ जाती है। ₹200 टॉनिक का उपयोग एक एकड़ में किया जा सकता है। एक फसल चक्र में इसका कितनी बार उपयोग करना है? एक फसल चक्र में इसका 3 बार उपयोग कर सकते हैं। पहली बार 20 दिन पर, दूसरी बार 45 दिन पर और तीसरी बार और आखिरी बार 60 दिन पर। रिपीट। टॉनिक बनाने और इस्तेमाल करने की जानकारी देने के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपको भी धन्यवाद।